रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल जफर इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त कोली आजाद कश्मीर की मशहूर जगह सैदपुर में मौजूद हूं और ये इलाका जो है ना वो खोलटा में शामिल है। यहां पर अल्लाह ताला ने एक इंसानों को हिकमत दी और हिकमत के लिहाज से हमारे पास मोहम्मद फाजिल साहब मौजूद है, जो कि आर्थोपेडिक यानी कि जो हड्डियों का काम है और मुख्तलिफ किस्म के ये जो लोगों के जोड़ों का मसला होता है, ये माशाल्लाह ये काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये इनका नाम तो बहुत है नाम है, लेकिन जाहिर है कि हिकमत का काम है, ये कितने अच्छे से करते हैं हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, तुम सुनाओ। अच्छा फादर साहब, तुसा ना अल्लाह ताला बड़ा माशाल्लाह काफी अल्लाह ताला से हिकमत दीती है, मशहूर है, तुसी काफी अरसे काम हो, कितना अरसे इस काम करने हैं जनाब? तकरीबन 60 साल ने कॉल हुई है। माशाल्लाह जी, 60 साल हरसा हुई है नगी काम करना। असने मामा और अनस आजी मामू तो सेंसा वो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने नाल भी पहले काम करने आए। अच्छा ये दसो जनाब फाजिल साहब, ये जो काम है तुसने किस तरीके नाल ये काम से शुरू किया कि एक बुजड़ा है? ये कुदरती है, अल्लाह की तरफों। अच्छा कुदरती है, बात है कि कुदरती ने मतलब था, चलो अल्लाह ताला इंसान की दीती नहीं हिकमत दीती है तुसों की, लेकिन किस तरह से शौक पैदा होया जरा नाज़रीन की दसो। बस दिल में एक शौक सी के कोई ऐसा काम करा मैं जिसने ना अल्लाह ताला ने मखलूक ना फायदा वे, तो वो फिर और ये अगे चढ़िया तो ये शुरू करी दा अल्लाह करा दा, तो इस वेले थोड़ी करना पे तो अल्लाह कामयाब भी किया, ना कदे कुसा ही पूछा तो ना कदे कुसा ही तकिया, तो अल्लाह की याद करी तो जो कोई आया तो करी छोड़िया तो अल्लाह शिफा देना रहा सारे की इसलिए थोड़ी तो बहुत दिती है अगे ने पता नहीं हूँ बुढ़ा हुई है। अच्छा डॉक्टरों को लोग जाने बड़े बड़े आर्थोपैडिक डॉक्टर हड्डियां ते जोड़ों ने जिसे लख रुपया लाने, लेकिन उन्होंने को भी आखिर कोई हल नहीं निकलना था, फिर तुसों को मुड़ी दशने तुम माशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश कर लो तो बंदा काफी हद तक बेहतर हो जाओ ना, इस हवाले में तुम क्या आखना चाहते? जिते तक डॉक्टर साहिबान तलक है ना, वो उन्होंने अपना एक मैथड है जिस तरह उन्होंने लिखा पढ़िया किताबों कोर्सों, खास कर ऑपरेशन ने हवाले न तो वो उत्थे तो अस उन्होंने पूछ सकने कि ना साढ़े को औजार है ना अस ये कोर्स किए, उस हवाले न डॉक्टर साहब जड़े ने बेहतर है ऑपरेशन ने लिहाज न, बाकी जड़ा ने निकलिया टले आ भजे आ खास कर गुटर टूटे किस क्या कहना चाहते? टूटे जरा सही जोड़ तू हटी तो टूटे इंशाल्लाह 100% ठीक करता बन सो, तो जोड़ा विचो टुट जाए तो यह फिर डॉक्टर साहब कम आना, उत फिर सर्जरी करनी पैनी, कद कोई किल लाना पैना, कोई तार बानी पैनी, ये काम अस ना करी सकने, इस तू हटी तो जड़ा ना वो इंशाला बेहतर हो जाना, जिसे भी करा वो बेहतर हो आज दिन तक। अच्छा फाजिल साहब, तुसा अपने खानदान में तुसे ही कम करना या तुसा ने कोई और भी बंदा इस बारे में इस पेशा मुसली का? मैं पहला बंदा हाँ अपने खानदान। अच्छा माशाल्लाह जी, तुसा अपने खानदान पहले बंदे हो और माशाल्लाह एक तुसी की अरसा हुई है, एक मुद्दत हुई है 60 साल कम कर रहे। अच्छा जी अपना फादर साहब एक गल दसो, तुसा को कोई ऐसा बंदा जड़ा आया वो जड़ा बहुत ज्यादा परेशान आलम में चाहे, लेकिन तुसा ने तो बाद वो बहुत ही जिंदगी महसूस फर्क महसूस किया हुआ है, कोई ऐसा वाकया उसे नाजरीन की दसो? क्या दसी अब नाजरीन ने था तकने रहे मारा को इसने कहीं तमाशे तकने रहे किस तरह हूं बंदा चुके आया इस को बैन नहीं आना उस को टूर नहीं आना, ये क्या कर सी तकने रहने तो मुड़ी इंशाला टूरी फिरी तो दौड़ता है तो दौड़ने भजने रहे चक चुक करता जाने रहे अल्लाह शफा देना रहा। अच्छा अल्लाह ने हुक्म लाल इतना बंदे ऐसे इसने जो चार पहिया पर आने बड़ी मुश्किल वाले ऐसे उन्होंने किधरे गोडे का मसला किसी ने बाजू का मसला और तकलीफ भी बहुत तकलीफ भी जैसे, लेकिन अलहमदुल्ला जिले तो इन्होंने को इसने तो अपनी हिकमत अपनी कोशिश ने वो बंदे जो रोने हसी खुशी टूटते जाने होने, तो जनाब अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला ने इनकी देन है, एक नॉलेज है, एक इलम है, तो हाले तक 60 साल की उम्र हुई गई, तो माई 60 साल के कम कर रहे हैं नहीं हुई है उम्र तो मजने ज्यादा हो सी, तो असान ये दुआ भी जनाब इन्हें नाल ही असं कोशिश करने हैं कि असान जनाब
अल्लाह ताला दुआई करी सकने असा इन आस्ते आखिरी पैगाम जेड़ा है डॉक्टर सुसा हकीम साहब जनाब फाजिल साहब रसूल अल्लाह नाज़रीन की देना चाहते हो। आखिरी पैगाम तो यही है भाई, हर बंदा कोशिश करे दुए की सहूलत मुहैया करने वास्ते, तो वो फिर हर इंसान की बेहतरी हो जानी है। जितना थोड़ी तलक है डॉक्टर साहब ना उतना तो नहीं देसी संपोज जगह, लेकिन हाँ माड़े भरा करने ये माड़े नाले ने बहुत सारे करने, लेकिन अगले हालों में खड़ी चुने तो इस तो बेहतर है भाई मैं आपे जरा ना होना हो वो डॉक्टर साहब को भेजी छोड़ना हो, अगले ने जिंदगी आख तकना है अपने कम आना तकना भाई मैं भेजी छोड़िया डॉक्टर को माड़ी तो ही ना हो सी ये गल नहीं, बेहतरी अगले ने जिता वे वो उत भेजी छोड़ो, तो जे कुछ ना करी सको तो सही तरीके ना करो तो ना करो तो अगले की जिंदगी तू माजूर ना करो। मैं पैगाम दसा तो हर बंदा कोशिश करे या जे काम करने ने फलाई काम करे तो इसने बिच अल्लाह भी खुश था बंदा भी खुश था अल्लाह ने मखलूक भी खुश। अच्छा हकीम साहब ना फाजिल साहब ना यही पैगाम है कि इतने नाड़ी साहब को बेशुमार लालची बैठे ने पैसा किन्ने नहीं खातर वो बजाय कम सीधा करने ने उल्टा कम खराब करी छोड़ने और कई लोग अपनी यानी कि जिंदगी खराब करी छोड़ने, तो ऐसे किसी नाड़िए ने टाना जो पहली कोशिश करनी चाहिए कि कैसे बंदा जरा जिसे अल्लाह ताला इलम दिता नॉलेज दिता ना तो उस मुताबिक जो भी चलना चाहिए ना, और इंसानियत की खिदमत इंसानियत की फलाह इन्होंने पैगाम है कि जितना हो सकता है इंसानियत की खिदमत की जाए दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए और यही पैगाम है। और आज मेरी वीडियो जी है ना हकीम मोहम्मद फाजिल साहब जनाब जिले शेरी इतने रहने जनाब सैदपुर खुरटा सैदपुर पहला खुरटा इस हवाले नाल है, उम्मीद है कि जनाब आज तुम हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो की ज्यादा लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो इंशाल्लाह एक नई वीडियो फिर से मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।